राजस्थान के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में दिसंबर के महीने में होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी हाईकमान कई अहम दाव पेच खेल रहे हैं। अटकलें जहां एक तरफ तेज है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कि वसुंधरा राजे को अब सीएम पद से हटकर कुछ अलग भूमिका दी जा सकती है, लेकिन दूसरी ही तरफ कई सालों से अटकलें तेज हैं महारानी दिया कुमारी को लेकर भी। इस रिपोर्ट के जरिए दिया कुमारी को लेकर आज एक बार फिर से हम कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक भी हुई और घंटों तक जो बैठक चली, मंथन चला, वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। फिलहाल बीजेपी की तरफ से यह साफ किया गया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे और सीएम पद की दावेदारी के लिए किससे आगे किया जाएगा, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर सियासी मायने लगातार निकाले जा रहे हैं महारानी दिया कुमारी को लेकर भी, क्योंकि दिया कुमारी को अब यहां पर कुछ अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है इन विधानसभा चुनाव में। ऐसे में देखा जाए तो वोट बैंक को भी बढ़ावा मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में दिया कुमारी भी एक जाना माना नाम है। 2018 में दिसंबर में जब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह दिया कुमारी और उनकी मां पद्मिनी देवी के जयपुर हाउस पहुंचे, तभी से अटकलें लगना शुरू हो गई कि महारानी का भविष्य पार्टी में उज्जवल दिखाई दे रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीते बुधवार को पीएम मोदी की सभा में जिस तरह महारानी दिया कुमारी को तवज्जो मिली, उनके बाद तेज हो गई, हवा भी मिल चुकी है और संभावनाएं यहां पर अलग अलग तरीके की लगाई जा रही हैं। यहां पर देखा जाए तो बीजेपी दिया कुमारी पर एक बड़ा दाव भी लगा सकती है। जानकारी दे दें, यहां पर राजपूत वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश है। राजपूतों की नाराजगी की वजह से पिछला विधानसभा चुनाव मामूली वोटों के अंतर से बीजेपी हार गई, लेकिन इस बार बीजेपी वो गलती दोहराना नहीं चाहती। नेता प्रतिपक्ष के पद पर इस वक्त राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, तो वहीं राजपूतों को संदेश पहले ही दिया जा चुका है। वसुंधरा राजे से किनारा करने की कोशिश की गई, ये दावे भी किए गए। बीजेपी अब राजस्थान में पार्टी के संस्थापक और कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत की विरासत को फिर से जिंदा करने में अब लग चुकी है। ऐसे में देखा जाए राजपूत जो तकरीबन 14% हैं, इनमें देखा जाए 60 विधानसभा सीटों पर असर है। जयपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और इनके अलावा भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर राजपूत वोटों की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में देखा जाए तो राजपूत वोटों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है बीजेपी। हिमाचल के विधानसभा चुनाव में राजपूत वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के लिए दिया कुमारी को ही उतारा गया और एक बड़ा संदेश दिया गया। अब देखा जाए यहां पर महारानी के खिलाफ महारानी भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि आपको जानकारी दे दें दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट अगर बनाया जाता है तो एक महारानी की जगह दूसरी महारानी जैसा ही होगा। वसुंधरा राजे को महारानी के नाम से ही बुलाया जाता है और दिया कुमारी भी महारानी है। दोनों ही राजपूत हैं जो बीजेपी के परंपरागत रूप से वोटर हैं, इसलिए बीजेपी आश्वस्त हो सकती है वसुंधरा राजे अगर नाराज होती हैं तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसे में यहां पर दिया कुमारी की राजनीति में एंट्री कराई भी जा सकती यहां पर दिया कुमारी को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी भी जा सकती है या फिर नहीं। दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो और भी ऐसे तमाम इशारे यहां पर मिल रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर देखा जाए दिया कुमारी पर भरोसा जता सकती है पार्टी हाईकमान। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के आरोपों के पीछे भी वसुंधरा राजे का हाथ बताया गया। कई बार पार्टी की मीटिंग से गायब रहना और पार्टी से अलग अपनी यात्रा निकालने आदि का आरोप उन पर लगता रहा और यही कारण रहा कि पार्टी हाईकमान की चहेती बहन नहीं बन पाए। लगातार उनकी दबाव वाली राजनीति से पार्टी परेशान रही और इसके पलट में देखा गया कि महारानी दिया कुमारी टॉप नेतृत्व के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं और पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब होती हुई दिखाई दी हैं। अब देखना यहां पर यही दिलचस्प होगा कि वाकई में दिया कुमारी को यहां पर सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर उन्हें कुछ और अलग अहम भूमिका सौंपी जाएगी।
अगर उन्हें सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाता है तो वाकई में वसुंधरा राजे के लिए ये किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। खैर ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार दिया कुमारी के लिए क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।